अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जैसे आप थंबनेल पे देखे के आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फिग्मा में। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पीएनजी चाहिए होगी बनाना की। ये आपको पीएनजी बैंक से या कहीं भी पीएनजी की साइट से आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने पीएनजी बैंक पे जाकर सर्च करना है बनाना, तो आपको इस तरह का पीएनजी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे साथ साथ मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ ये मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं। ठीक है, और जो हम फ्रेम लेंगे, ठीक है, सिंपली आप यहाँ से कोई भी फ्रेम, रेंडम फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है, या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर एक्जैक्ट मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 563 हम लिखेंगे। ठीक है, ये सारे डायमेंशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये हमारी आ गई फ्रेम 563 और 365। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो कलर कोड ये मैंने दिया है, सिंपली आपने इसको कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ आपने। ठीक है, आपने जाके यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, सॉरी, फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये इसका आ गया। ठीक है, अब हम इसको जो बनाना है उसको यहाँ पे सेंटर में कुछ इस तरह हम ले आएंगे और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली टेक्स्ट टूल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है बनाना। ठीक है, अब बनाना का जो मैंने साइज में अपनी फ्रेम के, अगर आप मुझे कॉपी कर रहे हैं तो फिर सारा कुछ सेम रखिएगा, अगर आपकी फ्रेम बड़ी है छोटी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली पीएनजी का भी साइज चेंज करेंगे और ये जो टेक्स्ट है इसका साइज भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, फॉन्ट में ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और साइज इसका मैं 148 यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एरो की से नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो कलर है हमने इसको आप कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइट करना है। ठीक है, अब बनाना वाली जो हम टेक्स्ट लेयर है इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और वी, कंट्रोल सी से हमने कॉपी की लेयर और कंट्रोल वी से हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम जो एक लेयर है उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली लेयर पे हम जाएंगे, नीचे वाली लेयर को सेम एज इट छोड़ेंगे हम। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे हम जाके, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फेल। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट का फेल है, इसको हम कर देंगे बंद। ठीक है, अब ये क्योंकि होता ही फेल है तो ये इनविजिबल हो गया, तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको देना है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक देंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्ट्रोक का साइज 3 कर लेते हैं या 3 की जगह हम 2 कर देते हैं। ठीक है, और जो हमने इसका कलर है, ठीक है, कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, जो पीएनजी है ये आपको फ्री पिक्स सॉरी पीएनजी बैंक वगैरह से मिल जाएगी। ठीक है, और जो ये जो साइजेस हैं ये मेरे इस का डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो मैंने फ्रेम का साइज लिया है, ठीक है, जितना आपका फ्रेम का साइज बड़ा होगा फिर उस हिसाब से आपने टेक्स्ट भी बड़ा लेना है। ठीक है, टेक्स्ट भी बड़ा लेंगे। ठीक है, और ये टेक्स्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप यही यूज़ करें। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी आप यही अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो साइज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेम का साइज़, ठीक है, वो पीएनजी का साइज़ और ये जो टेक्स्ट का साइज़ है, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जितना आप फ्रेम, अगर सपोज आप यहाँ से फ्रेम लेते हैं, आप रेंडम फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये है कि मेरे फ्रेम के साइज में और आपके फ्रेम के साइज में फर्क है। ठीक है, तो फिर आप वो साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये पीएनजी का साइज भी बड़ा करना है और फिर टेक्स्ट का साइज भी बड़ा करना है,
आज की वीडियो में इतना ही था। मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और मेरा फोटोशॉप का कोर्स भी चल रहा है, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।